पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज के लिए फेस न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। सो अब हम मौजूद हैं अपने नेक्स्ट किरदार के साथ, जो कि रामलीला में हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे हैं, राम भक्त हनुमान। तो शरद जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं दर्शकों को अपना प्यार भरा नमस्कार कहना चाहूँगा, और आज से हमारी लवकुश रामलीला में हनुमान जी की एंट्री है। okay. तो मैं काफ़ी भावुक हूँ और एक्साइटेड भी हूँ कि इस रोल में मैं अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर सकूँ। ओके, सो अभी 2 साल बाद फिर से रामलीला स्टार्ट हुई है। जी जी। सो आपने क्या मिस किया और क्या डिफरेंसेस हुई हैं? मिस तो किया है, 2 साल से आपको पता ही है इंडस्ट्री कितनी लॉस में है जी। और कोरोना ग्रस्त कितने एक्टर्स घर बैठे हैं, कुछ काम की तलाश कर रहे हैं। और वैसे भी अभी कोरोना गया नहीं है पूरी तरह से। मैं यही बोलूंगा कि जितने भी लोग हैं, दर्शक है, इवन हर व्यक्ति को मैं ये बोलूंगा कि अभी भी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। आप लोग कोरोना के रूल्स फॉलो कीजिए, डिस्टेंस बनाए रखिए, सैनिटाइज करते रहिए। सब प्रभु की, ईश्वर की कृपा रही तो जल्द से जल्द सब समाप्त हो जाएगा। जी जी। तो सर, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं अभी? मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी कुछ मूवीज में मैं कर रहा हूँ। ओके। बाकी मीटिंग्स चल रही है अभी। मैं तापसी पन्नू के साथ एक क्रिकेट के ऊपर मूवी है। ओके। उसमें मैं क्रिकेटर्स का रोल कर रहा हूँ, कोच का रोल कर रहा हूँ। देन और भी फ्यूचर्स में कुछ प्रोजेक्ट है, बातचीत चल रही है, तो जल्दी आपको टीवी पे नजर आऊंगा। तो सर, आप हनुमान जी के रोल के लिए चुने गए हैं, हम आपकी बॉडीज भी देख रहे हैं, काफी आप मेंटेन कर रखा है। सो आप बेसिकली हमारे यंगस्टर्स को कुछ गाइड करेंगे, क्योंकि ना अब ना वो सप्लीमेंट्स की ओर बढ़ रहे हैं, वो अपनी एक्सरसाइज की जगह सप्लीमेंट्स को इजी बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप? मैं एक्चुअली जो पुरानी कसरत होती थी, मतलब उन्हीं सब चीजों को मैं फॉलो करता हूँ। आज भी मैं टिप्स और हेवी वजन उठाता हूँ, बट ये जो अभी की जनरेशन स्टेरॉइड्स ये सब चीजें लेके बॉडी बना रही है, मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि मत लीजिए, बट थोड़ा सा उससे दूर रहिए। प्रॉपर वर्कआउट कीजिए, उसी से अच्छी बॉडी बनती है और वो काफी सालों तक मेंटेन रहती है। बिकॉज़ वो सोचते हैं ना कि इजीली अगर हम, वही चीज है ना सर, आप अगर कोई चीज बहुत इजी आपको मिल जाती है तो ज्यादा लॉन्ग टर्म से उसका रिजल्ट नहीं निकलता है। ओके। इसलिए, और आप ज्यादा मेहनत करते हो, बहुत सालों से उस पे लगे रहते हो, तो वो चीज आप उसके परिपक्व हो जाते हो पूरी तरह। जी जी। तो सर, आप हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं, तो उनकी क्या चीजें आपने जो है खूबियां या उनकी पर्सनैलिटी किस तरीके से अपने अंदर ढाली है? देखिए, हनुमान जी के बारे में जितना भी मैंने सुना है, वो काफी बलिष्ठ, ह्यूज, शक्तिशाली है, और मैं उनकी पूजा करते रहता हूँ जितना हो सके। वो ब्रह्मचारी थे जी। बट मैं शादीशुदा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं काफ़ी चीज़ें उनकी फॉलो करता हूँ। हनुमान का जाप करते रहता हूँ, उनके 40 पढ़ता हूँ, हनुमान 40, मंगलवार शनिवार दोनों दिन। और मैं चाहूँगा कि उनके जैसे शक्तिशाली, बलिष्ठ, उनका प्रभाव मुझ पर कुछ पड़े, उनके चरणों की धूल की तरह भी अगर थोड़ा सा मुझ में आ जाए तो शायद मेरा भाग्य उदय हो जाए। और तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे हनुमान का किरदार इस लवकुश रामलीला में करने को मिला है। तो सर, आप कोई डायलॉग या कोई चौपाई? हाँ, एक डायलॉग है। आज जैसे मेरी एंट्री है तो सुग्रीव जी मुझे बोलते हैं कि हनुमान जाइए और दो मनुष्य जो इस पर्वत पर किसी की खोज में आए हैं उनसे जाकर मिलिए और उनके बारे में जानिए कि वो कौन है। तो मैं जाता हूँ भेष बदल कर, लेकिन मेरे को लगता है कि आज हमारी एंट्री डायरेक्ट हनुमान की भेष में रहेगी। तो मैं उनको बोलता हूँ कि हे स्वामी, आप अपने कोमल चरण इस कठोर भूमि पर कैसे चल रहे हैं? मैं बोलता हूँ कि हे स्वामी, आप अपने कोमल चरणों को इस कठोर भूमि पर कैसे चला रहे हैं? आप दिखने में इतने सुंदर, इतने कोमल, इस असहाय धूप को कैसे सहन कर रहे हैं? आप दोनों का मंगल हो और कृपया करके आप मुझे बताएं कि आप यहाँ किस मंशा से आए हैं। तो हमारे प्रभु श्री राम बोलते हैं कि मैं अयोध्या दशरथ पुत्र राम और अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र राम और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण। तो मैं फिर भावुक हो जाता हूँ, पहचान जाता हूँ कि
प्रभु श्री राम आपने मुझे पहचाना नहीं, क्या आपको याद नहीं कि अयोध्या में मैं बाल्य अवस्था में आपसे खेलने के लिए आया करता था। फिर उनको वो सारी चीजें याद आ जाती है और मैं फिर बोलता हूँ कि प्रभु आपसे मिलकर आपसे भेंट कर कर मेरा जीवन धन्य हो गया। जय श्री राम जय श्री राम के फिर नारे लगते हैं और फिर उन्हें मैं अपने कंधों पर राम और लक्ष्मण को बिठा कर किष्किंधा ले जाता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो गाइज आज हमने आपको मिलवाया लवकुश रामलीला कमेटी के सभी किरदारों से। तो इसी तरीके की अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए, फिल्मी चटपटी न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें फेस न्यूज़।